हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और अभी जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो फार्माकोलॉजी चैप्टर है वो हम शुरू करने जा रहे हैं, फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट। तो फार्माकोलॉजी में क्या होता है, क्या स्टडी करना होता है, कैसे स्टडी करना होता है, ये सारा कुछ डिटेल हम देखेंगे इस वीडियो में। और तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि फार्माकोलॉजी का क्या की डेफिनेशन होता है। तो फार्माकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम जो भी मेडिसिन है, ड्रग है, उनका क्या हमारे फिजियोलॉजी के ऊपर या साइकोलॉजी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, या किस तरह से वो हमारे बॉडी के जो भी सिस्टम्स हैं उनमें इन्वॉल्व होकर के और उनको ठीक करने का काम करते हैं किसी भी कंडीशन को, इसके बारे में हम कंप्लीट स्टडी करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फार्माकोलॉजी है वो दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, फार्माकोन जिसका मतलब होता है ड्रग, और लोगस जिसका मतलब होता है डिस्कस या फिर साइंस। ठीक है, तो फार्माकोन और साइंस या फिर डिस्कस, इन्हीं दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी के अंदर जितने भी ड्रग्स हैं, मेडिसिन है, उसके बारे में हम पूरा कंप्लीट डिटेल स्टडी करते हैं। अर्ली 19th सेंचुरी में जो ओस्वाल्ड स्किमेटबर्ग साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जो है इनको जो है फार्माकोलॉजी का फादर ऑफ फार्माकोलॉजी माना जाता है, पिता माना जाता है। और इनका जो एक अच्छा योगदान रहा फार्माकोलॉजी सेक्टर में, इसलिए जो है इनका इनको जो है फादर ऑफ फार्माकोलॉजी माना जाता है। आगे हम बात करेंगे दो चीज़ों के ऊपर कि सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं फार्माकोलॉजी की, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दो टॉपिक क्लियर होना जरूरी है, जिसमें से पहला टॉपिक है ड्रग और दूसरा है मेडिसिन। तो ड्रग आखिर होता क्या है, इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। ड्रग क्या है? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको एडमिनिस्टर करने के बाद अगर वो हमारे बॉडी के अंदर किसी भी तरह के साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस शो कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रग बोलते हैं। जैसे कि आप सबने फर्स्ट ईयर में जो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ा है, तो फिजियोलॉजी जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शन जो है वो चलते रहते हैं कंटिन्यूअस। तो ड्रग क्या है, जब हम ड्रग को लेते हैं बॉडी के अंदर तो वो क्या करता है कि हमारे बॉडी के अंदर जा करके और डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स हैं उनके अंदर इन्वॉल्व होकर के और हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे तरह के जो है फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस शो करते हैं। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस शो करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रग बोलते हैं। और उसी ड्रग को अगर हम एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में स्पेसिफिक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू लेते हैं और जो जिसका जिसको लेने के बाद जो है वो हमारे बॉडी का डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन होता है डिजीजेज का, तो उसको हम बोलते हैं मेडिसिन। कोई भी ड्रग अगर हम एक स्पेसिफिक मैनर में ले रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेडिसिन बोलते हैं। तो मेडिसिन क्या होता है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको डायग्नोस्टिक, ट्रीटमेंट या फिर प्रिवेंशन के पर्पज के लिए लिया जाता है तो उन सबको हम क्या बोलते हैं, मेडिसिन बोलते हैं। और मेडिसिन जो है वो इन्वॉल्व करते हैं ड्रग को अपने आप में। ठीक है, तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि मेडिसिन जो है वो दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है, एपीआई और एक्सीपिएंट। तो एपीआई यही ड्रग होता है और एक्सीपिएंट के रूप में हम बहुत सारे और जो एडिटिव चीज़ें हैं उनको ऐड करके यूज करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, जो फार्माकोलॉजी जो है ये मेनली दो टॉपिक्स को इन्वॉल्व करता है अपने आप में, फार्माकोडाइनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोडाइनेमिक्स क्या होता है, फार्माकोडाइनेमिक्स के यहाँ पे देख सकते हैं आप, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, दवाएं शरीर के साथ क्या करती हैं। जो भी फार्माकोडाइनेमिक्स है उसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं कि कोई भी दवा जो है वो शरीर के साथ क्या एक्शन शो करता है, उसके बारे में हम कंप्लीट स्टडी करते हैं। यहाँ पे हम जो भी मेडिसिन है या जो भी ड्रग्स हैं उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में कंप्लीट स्टडी, डिटेल स्टडी करते हैं। दूसरा टॉपिक है फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है कि व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, जो शरीर है वो दवाओं के साथ क्या करती है, इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करते हैं। क्या करते हैं, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, शरीर जो है वो दवाओं के साथ क्या क्या करती है। तो इसमें मेनली जो है चार चीजें इन्वॉल्व होती हैं, ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबोलिज्म और एक्सक्रीशन। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी ड्रग अगर हम लेते हैं तो उसका जो है हमारे शरीर के अंदर पहले एब्जॉर्प्शन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, उसके बाद से मेटाबोलिज्म और फिर उनका एक्सक्रीशन होना होता है। तो इस तरह से जो है फार्माकोकाइनेटिक जो है वो ADME को इन्वॉल्व करता है और इसका डिटेल स्टडी जो है वो हम इस फार्माकोलॉजी के अंदर करते हैं।